दोस्तों सोचो, अगर आप अपने YouTube चैनल पर लगातार मेहनत कर रहे हो और 1-1.5 साल में आपने आखिर उस टारगेट को अचीव कर लिया और आपका फाइनली चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ठीक है, अब आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। अब अर्निंग स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे करके आपने जैसे तैसे उसे $100, जो कि क्राइटेरिया रखा गया है पेमेंट का, इतना भी अचीव करने ही वाले हो और उसी टाइम पे आपका जो एडसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाए या डिसेबल कर दिया जाए, तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है एक भाई के साथ, जिसका ऑलमोस्ट $97 कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो गया। यानी कि फाइनली वो पेमेंट लेने वाला था लेकिन पेमेंट ले नहीं पाया। तो दोस्तों आखिर उसने गलती क्या की थी? हम नॉर्मल से जानते हैं कि अगर हम अपनी वीडियो को खुद से वॉच करते हैं तो यहाँ पर ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी यहाँ पर हो जाता है और हमारे एडसेंस को डिसेबल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके केस में थोड़ा सा अलग था। तो वो क्या था और आखिर उसने कौन सी ऐसी गलती करी थी जिसके कारण से उसे ऐसे पेनाल्टी दी गई है और उसके एडसेंस को डिसेबल किया गया है? और दोस्तों अगर आपका एडसेंस एक बार डिसेबल हो जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप उसे रिकवर कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो पूरी तरह से समझना है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, अभी अभी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया तो। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतना तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो को वॉच नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग बंदे दिमाग लगाते हैं कि यार हम अपने वीडियो को वॉच नहीं कर सकते लेकिन सेकेंडरी फोन में, किसी दूसरे फोन में तो देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको ये पेनाल्टी लगने वाली है। उसमें इस केस में होता क्या है, अगर आपका जो फोन है जिसमें आपने जीमेल आईडी अपनी खोल रखी है, जिसमें आपका यूट्यूब अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, और आपने उसी मोबाइल से एक दूसरा आपके पास सेकेंडरी फोन है, उसके जो आपका मेन फोन है जिसमें यूट्यूब चैनल खुला है, अगर उसमें हॉटस्पॉट खोलकर दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया और उसमें वीडियो अपने वॉच करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है, आप सोचते होंगे कि ये तो हम दूसरे फोन में है जो वीडियो देख रहे हैं, हम अपने फोन में नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे में इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों गूगल बहुत स्मार्ट है, वो यहाँ पर आईपी एड्रेस को आपके ट्रेस कर लेता है और ये समझ लेता है कि आप ही अपने वीडियो को वॉच कर रहे हो और लगातार एड्स पर क्लिक कर रहे हो अपनी अर्निंग के लिए। तो इस केस में भी आपके जो एडसेंस को है डिसेबल किया जा सकता है। आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको अपनी वीडियो को बिल्कुल भी वॉच नहीं करना है। अगर कोई बिल्कुल नया फोन है उसमें आपने इस जीमेल आईडी को एक भी बार नहीं खोला तो आप उसमें वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो हॉटस्पॉट है इस मोबाइल से कनेक्ट किया है कभी, ठीक है, पहले भी कभी किया है, ठीक है, या फिर करके देखने वाले हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें और अपने वीडियो को बिल्कुल भी वॉच ना करें। दूसरी चीज लोग जो लगभग सभी नए यूट्यूबर ये गलती करते हैं कि दोस्तों एड्स लगाने की जो चीज़ है ना, एक बार चैनल जब किसी का मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो आपने शुरुआत में बिल्कुल भी पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर बड़ी मुश्किल से आपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाया है तो उस पर एक विशेष ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अब ये चीज़ आप बिल्कुल बहुत ही गौर से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जब चैनल मोनेटाइज होता है तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी जो सब्सक्राइबर होंगे लगभग 15,000 या मान के चलो 20-21,000 होंगे। अब आपका चैनल मोनेटाइज हो, मैं नए नए यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, जब आपके सब्सक्राइबर इतने होते हैं तो दोस्तों आप जब भी कोई वीडियो डालते हो तो उस पर जो व्यूज़ हैं कितने जाते होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी जो व्यूज़ हैं मान के चलो 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो पर जब भी आप डाल रहे हो, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे कि 5 तरह के ऐड होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, डिस्प्ले ऐड हो गया, ओवरले ऐड हो गया, स्पॉन्सर कार्ड ऐड्स हो गया, ठीक है, और स्केपेबल वीडियो ऐड होता है और एक होता है नॉन स्केपेबल वीडियो ऐड, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी के ऐड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि शुरुआत में नया नया चैनल होता है, मोनेटाइजेशन ऑन होता है, तो दोस्तों बहुत खुशी होती है, ठीक है, तो कोई भी वीडियो डालते हैं और सब ऐड लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, आपके चैनल पर व्यूज तो कम आ रहे हैं लेकिन जितने लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा है तो वो तो वहां पर अगर उसने वॉच किया तो ऐड आया, ठीक है। अब ऐड आया, इस तरह से आपके जो व्यूज हैं वो कम है, एड्स ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ज्यादा के हिसाब से अगर लगातार एड्स आ रहे हैं आपकी वीडियो पर,
ठीक है, कोई ना कोई एड्स तो आता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है, आपके व्यूज कम आ रहे हैं, एड्स उस पर ज्यादा आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उस पर इम्प्रेशन उतना नहीं निकलता, ठीक है, इम्प्रेशन उतना नहीं निकलता। मतलब ये तो अगर ज्यादा व्यूज आए तो इम्प्रेशन भी अच्छे खासे हो जाएंगे और आपके एड्स के अकॉर्डिंग इम्प्रेशन ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन इसमें इस केस में होता क्या है कि आपने इतने सारे ऐड लगा दिए तो इम्प्रेशन कम रहेगा और एड्स पर जो क्लिक होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि आपका जो CTR है बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो इस वजह से आपका जो एडसेंस है डिसेबल हो जाता है। तो इस चीज से बचना चाहिए। आज मेरे यूट्यूब चैनल को लगभग 1.5 साल हो गया है मोनिटाइज हुए, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में एक ऐड को कभी भी ऑन नहीं किया, वो है नॉन स्केपेबल वीडियो ऐड। ये एक ऐसा ऐड है जिसमें आपको CPC अच्छी मिलती है, ठीक है, लेकिन इसका जो अगर इस ऐड पर क्लिक होता है यानी कि ये ऐड चलता है तो इस पे जो है CTR बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आपको शुरुआत में ये ध्यान देना है, अगर आपके चैनल पर वीडियो व्यूज कम आते हैं तो आपको नॉन स्केपेबल वीडियो ऐड बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अर्निंग थोड़ी कम होगी लेकिन आपको उस चीज से बच के रहना है, ठीक है। अर्निंग तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले चैनल ग्रो कर लेंगे उसके बाद अर्निंग अपनी, पूरे ऐड लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखें तो ऑल ओवर आपके जो ऑल ओवर 12 घंटे में आपके पूरे ऑल ओवर वीडियो से आपके चैनल पर कितना व्यूज आता है, ठीक है। जैसे कि 1K हो गया तब भी आप नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड ना लगाएं, ठीक है। अगर आपके ऑल ओवर, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर चैनल का जो एवरेज निकल गया था व्यूज का 12 घंटे का मान के चलो, अगर 3 से 4 हज़ार आ रहा है, ठीक है, इतना व्यूज आ रहा है अपने 12 घंटे में पूरे चैनल का, तो आप ये पांचों ऐड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप एक शुरुआत है आपकी और अभी अभी मोनिटाइज हुआ है आपका चैनल, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इस तरह से ऐड आपको भर भर के ऐड नहीं लगाने हैं वीडियो पर, ठीक है, नहीं तो आपके जो क्लिक होंगे ना ऐड पे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका जो CTR है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इम्प्रेशन उतना नहीं होता है और एड्स पर क्लिक ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो CTR है वो हाई चला जाएगा और आप जानते हो अगर CTR आपका हाई हुआ तो आपका एडसेंस खतरे में है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को बचना चाहिए। इन चीज़ों से मैंने ये दो आपको चीज़ें बताई हैं, आपको इसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर आपने अभी अभी चैनल मोनेटाइज करवाया है या आपके सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर बेस कम है और आपके व्यूज कम आते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से आपको बचना है और अपने YouTube चैनल को सेफ रखना है, एडसेंस को सेफ रखना है, ठीक है। तो यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको सॉरी आपको नीचे लाल रंग का मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों और आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।